हेलो एवरीवन, आई अक्षता शर्मा वेलकम यू ऑल बैक टू द मैथ्स क्लास. चिल्ड्रन, हियर वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 13, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड ऑल द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेजरिंग द लेंथ. वी ऑलरेडी नो द डिफरेंट यूनिट्स दैट वी यूज, देयर रिलेशनशिप एंड ऑल्सो द कन्वर्टिंग ऑफ यूनिट्स. वी नो हाउ टू कन्वर्ट मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड किलोमीटर्स इन टू ईच अदर. सो वी हैव स्टार्टेड डूइंग आर एक्सरसाइज. इन आर प्रीवियस क्लास वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1. सो इन दिस क्लास वी विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 to 4. Children, here question number 2 is related to converting the units. Let's get started. Question 2. Convert the units in following questions. First part is 120 centimeters is equals to dash meters. यहाँ हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है. बच्चों, आपको पता है जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाते हैं, देन वी यूज देयर डिवीजन. अब यहाँ किससे डिवाइड करेंगे हम? देखिए, सेंटीमीटर से हमें मीटर में जाना है, बिकॉज 1 meter इज इक्वल्स टू 100 centimeter. यहाँ हम डिवाइड करेंगे 100 से. So, we are given with 120, okay? इसे हमें डिवाइड करना है 100 से. Now, you know that 0 से 0 कट जाएगा. इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? 12/10. इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं. पहला, हम इसे ऐसे नंबर से डिवाइड करें जिसमें दोनों का डिवीजन हो रहा हो. जैसे 2 से डिवाइड करने पर यहाँ बचेगा 2 6 12, और यहाँ हो जाएगा 5 2 5 10. तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6/5 meters, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा. और इसमें हम छोड़ सकते हैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में. देखिए यहाँ कैसे हो जाएगा, ये QR/D इन द मिक्स फ्रैक्शन. ओके, डिनोमिनेटर 5 एज इट इज रहेगा. इसके बाद आ जाएगा 5 1 5, इसमें यहाँ आ जाएगा 1. ओके, सो दिस आंसर विल बी 1 whole 1/5 meters. और सेकंड मेथड क्या हो सकता है, यहाँ डेसिमल्स में आंसर को छोड़ना, क्योंकि यहाँ था 12/10. अब देखिए, आपको पता है डेसिमल्स वाले चैप्टर में हमने इजी ट्रिक्स समझी थी. डिनोमिनेटर में क्योंकि हमारे पास है 10, तो क्या लगा देंगे हम यहाँ, एक डिजिट के बाद लेफ्ट में डेसिमल लगा देंगे. सो इट कुड बी 1.2 meters. okay, in both ways we can write down our answer. Both are same and both are equal. Now, second we will take 1200 meters is equals to dash kilometers. यहाँ हमें meter से kilometer में change करना है. Again, from a smaller unit to a bigger unit. हम क्या apply करेंगे यहाँ? Division करेंगे. Because 1 kilometer is equals to 1000 meters. Here, children, we will divide by 1000. So, here we have 1200 meters. We have to divide by 1000. अब देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा. क्या बचा है हमारे पास? 12/10. अगेन वी हैव टू ऑप्शंस हियर. इधर वी कैन लीव इन डेसिमल्स, क्योंकि नीचे एक 0 है, यहाँ आ जाएगा 1.2 kilometers. और सेकेंड मेथड वी कैन अप्लाई हियर, यहाँ हम इसे काट सकते हैं. 2 से काटने पर हमें मिलेगा 6, और यहाँ आ जाएगा 5. सो अगेन वी कैन लीव हियर इन 1 whole 1/5 kilometers. बोथ आर सेम और 1.2. सो चिल्ड्रन, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. 50 millimeters is equals to dash centimeters. Millimeters को हमें convert करना है यहाँ centimeters में. हम किस तरह से convert करेंगे? देखिए, millimeter जो है वो smaller unit है centimeter से. That means here we will divide. Because 1 centimeter is equals to 10 millimeters, we will divide here by 10. So first we will write down here 50. When divided by 10, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर हमारे पास बचेगा 5, because 5/1 is also equals to 5. This answer is in centimeters, so we can directly write down here 5. Now let's take next part. Fourth one, 9500 meters is equals to dash kilometers. हमें meters से convert करना है kilometers में. Again here smaller unit to bigger unit, so we will divide, because 1 kilometer is equals to 1000 meters, so we will divide here by 1000. So children, first we will write down what is given to us, that is 9500. इसे हमें डिवाइड करना है 1000 से. 0 से 0 काट दीजिए आप सबसे पहले. इसके बाद हमारे पास बचा है 95/10. अगेन यू नो द बोथ द मेथड्स. 9.5 भी हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ है 0.
सेकेंड मेथड इज 95/10 को ऐसे नंबर से डिवाइड करिए जो दोनों में इसका डिवाइजन जाता हो या फैक्टर होता हो. इसे हमारे पास मिलेगा 5. देखिए 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ बचेगा हमारे पास 5 1 5 5 9 हमारे पास हो जाएगा 45. इसका मतलब 5 की टेबल में 19 टाइम्स में जा रहा है 95. देन 5 2 इज 10. अब देखिए 19/2 है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में आंसर छोड़ सकते हैं. 19 को 2 से डिवाइड करिए, 2 9 इज 18. रिमाइंडर में हमारे पास बचेगा 1. सो वी कैन राइट डाउन हियर, क्वेश्चन हमारे पास है 9, रिमाइंडर है 1 और यहाँ डिवाइजर है 2. सो बोथ आर सेम आंसर्स, 9.5 और 9, 1/2. नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल. This is fifth one. 150 centimeters is equals to dash meters. Children, we have to convert centimeters into meters again. Smaller unit to bigger unit, that means here we will apply division. किससे divide करेंगे यहाँ हम? Divide करेंगे 100 से. Because 1 meter is equals to 100 centimeters. देखिए, centimeters में हमारे पास है 150. डिवाइड करिए 100 से, 0 से 0 कट जाएगा. नाउ अगेन यू नो बोथ द मेथड्स, हम 1.5 भी आंसर छोड़ सकते हैं और वी कैन लीव इन फ्रैक्शंस आल्सो. 15/10, 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास मिलेगा 5 3 15 एंड 5 2 10, दैट इज 3/2. अब देखिए डिवाइड करके निकाल लीजिए, हम आंसर छोड़ सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 2 1 is 2, 1 एज रिमाइंडर. सो क्वेश्चन इज 1, रिमाइंडर इज 1 एंड डिवाइजर हियर इज 2. सो आंसर इज 1.5 मीटर्स और 1 whole 1/2 मीटर्स, बोथ आर सेम एंड इक्वल. नाउ लेट अस टेक सिक्स्थ वन. 175 मिलीमीटर्स इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर्स. We have to convert millimeters into centimeters. So what we will do here, we will do the division. We will divide here by 10 because 1 centimeter is equals to 10 millimeters and millimeters here is a smaller unit. हम क्या करेंगे, 175 को डिवाइड करेंगे 10 से. अब देखिए 0 नहीं कट रहा है, यहाँ 5 से डिवाइड कर सकते हैं या हम डेसिमल्स में आंसर छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ एक ही 0 है, हमने एक डिजिट छोड़ते ही लेफ्ट में लगा दिया है एक डेसिमल. दिस इज 17.5 सेंटीमीटर्स. और सेकंड व्हाट कैन वी डू हियर, डिवाइड बाय 5. देखिए 5 से 2 टाइम्स में जाएगा 10 क्योंकि यहाँ पर 175 और 10 दोनों ही डिवाइड होते हैं 5 से. अब हम 175 को भी डिवाइड कर सकते हैं. देखिए 5 3 होता है 15, 25 जाएगा 5 टाइम्स में. यहाँ हमने मेंटल मैथ्स का हेल्प लिया है. Now, we have got 35/2. Children, we cannot leave in improper fraction. हम क्या करेंगे यहाँ, divide करके mixed fraction में answer लाएंगे. So, 35 को हम जब 2 से divide करते हैं, यहाँ हमारे पास मिलेगा 2, minus करेंगे 1, 15 आ जाएगा नीचे, up to 7 is 14. So, now we have got 1 as remainder. So question is 17, 1 is remainder and 2 is the divisor. So both the answers we can write 17.5 or 17 1 by 2 centimeters. Both are same and equal. Children, now let us move on to our next question. Here we will solve question number 3. It is a word problem. Kavita's house is at a distance of 7 km, 300 meter from her school. How much distance Kavita has to travel while she goes to school and returning back home? बच्चों यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कविता का घर और उसके स्कूल जो है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वो जब हाउस से अपने स्कूल जाती है और स्कूल से वापस घर आती है तो टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज कविताज हाउस एंड हियर इज हर स्कूल. इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 7 किलोमीटर्स एंड 300 मीटर्स. सबसे पहले वो हाउस से स्कूल जाएगी और वापस स्कूल से हाउस आएगी. इसका मतलब वो जो सेम डिस्टेंस है दो बार ट्रैवल करेगी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू ऐड दिस ट्वाइस. हम शुरू करते हैं यहाँ पर ऐड करना. फर्स्ट वी विल राइट डाउन, दो यूनिट्स में हम ऐड कर रहे हैं किलोमीटर्स एंड मीटर्स. सबसे पहले वो गई है 7 किलोमीटर्स 300 मीटर्स, दिस इज़ फ्रॉम हाउस टू स्कूल. वापस वो आई है स्कूल टू हाउस, अगेन इट इज़ 7 किलोमीटर्स 300 मीटर्स बिकॉज डिस्टेंस इज सेम. नाउ वी हैव टू ऐड इट.
So children, we are going to start adding from the meter. This is the smaller house. 0 and 0 is 0 only. Again 0, 0, 0. 3 plus 3 is 6. So in meters we have got our answer. It is 600 meters. Now we will solve for kilometers. Total kilometer she has traveled is 7 plus 7. That is equals to 14 kilometers. So this is the total distance traveled by Kavita from her house to school and again school to house. That is 14 kilometers and 600 meters. Now we are going to solve the last question. This is question number 4. A city is 46 kilometers far from Manju's house. The bus broke down after traveling up to 32 kilometers, 600 meters. How much distance she needs to cover? Bacho yahan diya hua hai. Manju ke ghar se dusri city ka distance kitna hai? Total hai 46 kilometers. Wo bus se jaati hai dusri city aur dekhti hai ki bus beech mein kharab ho gayi hai. Jahan par bus kharab hui wahan tak bus ne kitna travel kar liya tha? Total 32 kilometers, 600 meters. Baki ka distance hame nikalna hai. So I hope you all have already understood. Here we have to find out the difference. Jab bhi hame difference nikalna hota hai, we solve here by subtracting it. To total jo distance hame de rakha hai usme already traveled jo distance hai wo hum minus kar denge. So we will find out our answer. How much distance is left for Kavita to travel? So first let us write down total distance. We are solving this is again in kilometers and meters. First we are given with the total distance. Total distance yahan par hai bachcho 46 kilometers. Meters is not given to us. Already traveled. Kitna travel kar liya hai already? That we are going to minus. Already travel is 32 kilometers and 600 meters. Ye hame minus karna hai. So we will get our answer of how much distance she needs to cover. So the distance she needs to cover we will get by subtracting. Distance needs to cover. Children, now let us start subtracting from the meters house. Here we have meters. Hame dekhe 600 meters subtract karna hai. But here we do not have any unit of meters. Hum kya karenge? Yahan se borrow karenge. 46 mein se minus 1 hum kar denge. Yahan bachega 45. Aur directly 6 minus 1 you can do. Here you will get 5. Yahan par jo 1 kilometer jab meters mein aayega, wo kya ban jayega bachcho? 1000. Because 1 kilometer is equals to 1000 meters. Now we will subtract it. Ab dekhe 0 mein se 0 ga is 0. Again 0 mein se 0, 0. Now here you can see 0 mein se subtract nahi ho sakte hain. 1 minus kar denge hum yahan, ye ban jayega 10. 10 minus 6 is equals to 400. Now this is 400 meters. We have got our answer for meters. Now we will find for kilometer. Ab dekhe humne minus 1 already kar diya tha. So here we are left with 5. 5 minus 2 is 3. 4 minus 3 is children 1. So our answer is 13 kilometers, 400 meters. With this, we have completed our chapter also. Here we have understood all the related concept of length. We have learned what are the measuring units of length. Now you know that it is kilometers and meters for bigger units, right? Now in the next class, we are going to start our new chapter. You all have to practice the concepts that we have learned in this chapter. It is going to help you a lot in future. Thank you everyone. Keep learning, keep growing. I will see you all in the next class.